वहशी दरिंदों का गिरोह है जिसने भारत के मध्य में स्थित हैदराबाद शहर को धार्मिक घृणा से लहूलुहान कर दिया है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के कुछ हिस्सों को तत्कालीन हैदराबाद राज्य में मिला दिया गया था। उस समय भारत को आजादी मिली और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल से सभी राज्यों का भारत में विलय हो गया। लेकिन निजाम के शासन में हैदराबाद राज्य को विलय ना करने के बारे में सोचते हुए एक साल का समय लग गया और उसी दौरान हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने और उस राज्य को पूर्ण इस्लामिक राज्य में परिवर्तित करने की साजिश रची गई। इसका विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ नरसंहार करके निजाम के निजी सेना रजाकारों ने एक वहशी खेल खेला। So can we have the directors, Mr. Yata, Mr. Makarand? And the whole crew of Razakar. Can we have a big round of applause for the whole team? Makaran ji, Raja Arjun ji, and Tej Sapru ji. Thank you, ma'am. Our poster is there. Can I please invite the producer, the director, so that they all listen to what ma'am is saying, the DOP and the music director, Bikki Sicily, the beautiful artists, Makaran Deshpande ji, Raj Arjun ji, Kareem, as who is there as Kareem Rizvi, Makaran ji, who's there as Mirsmalan Ali Khan, Tej Sapru ji, who's there as Sardar Vallabh Bhai Patel, Mr. Bobby as well, please. Mr. Mahedar Guntupalli, the co-director, Mr. Yata, the director, Mr. Gurur, the producer, and everyone. Mr. Sanju Reddy, please. Mr. Anju Reddy, please. Mr. Anjay Redeker, can we have a big round of applause for these lovely, lovely artists who has done such a beautiful work? Ma'am, I would like to request you to please kindly give us some words of wisdom. Namaste, dosto. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Dosto, aaj aap yahan is tadad mein aaye, bahut bahut dhanyawad. Jaisa ki aap dekh sakte hain ki ye film meri nahi hai. और इसमें मेरा कोई भी जैसा देखा है आपने कोई भाग नहीं रहा है लेकिन एज़ अ गुडविल जेस्चर एज समबडी हु लाइक टू इनकरेज आर्ट विच हैज़ सम इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी आई एम हियर इन दैट कैपेसिटी मैंने बस दो दिन पहले ट्रेलर देखा और मुझे इतना पसंद आया ये ट्रेलर तो मैंने कहा ठीक है मैं भी आती हूँ और जो मेरे मुझसे जो बन पड़ता है क्योंकि एक प्रोडक्ट को आपको मार्केट भी करना पड़ता है तो मेरा जो सामर्थ्य है मेरी जो जिस तरह से भी जितने लोगों तक पहुंच सकती हूं तो मैं इसमें पूरा हिस्सा लूंगी तो दोस्तों हमने हमेशा अपनी पुस्तकों में यही पढ़ा है कि नेहरू थे और गांधी थे और कोई थे ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं तो कभी आपने क्या ये सोचा है कि आज जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो एक इमारत जैसे एक स्टैचू बन रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के हमारे दिल में अक्सर ही आता है कि उन्होंने क्या किया है आता है ना आता है हमेशा दिल में उन्होंने क्या किया है क्यों इनका ये बना रहे हैं क्यों उनका बार बार नाम लेना मैं आपको बता नहीं सकती कि जो जैसे इस आजकल भी हम आजकल हम सोचते हैं कि पब्लिसिटी या मीडिया या मार्केटिंग ये सिर्फ आजकल होता है ऐसा नहीं है पुराने ज़मानों में भी मार्केटिंग मीडिया होती थी इनफैक्ट राजाओं के ज़माने में भी मार्केटिंग मीडिया उनके भी नवरत्न होते थे वो लोग भी अपने को पॉपुलराइज करते थे चाहे वो अशोका को हम जानते हैं या चाहे वो जो भी हम लोग जानते हैं हिस्ट्री के बारे में वो मार्केटिंग का ही एक एक प्रोडक्ट है तो जो मार्केटिंग अपने करते रहे वो करते रहे
जो पब्लिसिटी अपनी करते रहे वो करते रहे, वो लंदन में जा जा के वहाँ पे इंटरव्यूज़ देते थे, वहाँ के सारे विश्व भर के पेपर्स में उनके गुणगान किए जाते थे। वो अगर 100 लोगों को भी लेके निकलते थे तो पूरा विश्व उसके बारे में बोलता था कि ऐसी हंगर स्ट्राइक हुई है, ऐसी मार्च हुआ है, ऐसी यात्रा हुई है। लेकिन जो लोग वाकई में ही, वास्तव में ही, मैं तो श्री वल्लभ भाई पटेल को हमेशा कहते हैं कि वो शिव हैं। जिस तरह शिव ने सती के अंगों को पकड़ के, गोद में पकड़ के रखा, उसी तरह से हमारे टूटते हुए भारत को आज़ादी के बाद जिन्होंने पकड़ के रखा वो वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत की आज़ादी के 2 साल बाद हैदराबाद को आज़ादी मिली, 396 डेज लेटर जो है वो ऑलमोस्ट, माई अपोलॉजीज, ऑलमोस्ट 396 डेज लेटर आज़ादी मिली। क्योंकि वहाँ के जो निज़ाम थे वो भारत के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जनता जाना चाहती थी। तो आज जब आप लोग सुनते हैं जो टुकड़े गैंग है फिर से एक्टिव होती है, ये क्लेम करती है कि हम जो है, हम तो कभी एक संयुक्त राष्ट्र थे ही नहीं, हम तो हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में बसने वाले राज्य थे, तो उनको आप ये इतिहास दिखाया करें कि उन सब राजाओं ने विलिंगली जो है वो भारत में हिस्सा, भारत का हिस्सा बने हैं। और जो नहीं बनना चाहते थे, जैसे कि जो यहाँ के निज़ाम थे वो नहीं बनना चाहते थे, कश्मीर की आवाम नहीं बनना चाहती थी, वहाँ के राजा हरि सिंह बनना चाहते थे। यहाँ जो है इनके जो जनता है वो बनना चाहती थी, लेकिन निज़ाम नहीं बनना चाहते थे। तो वो किसने ये सॉल्व किया? कश्मीर का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू जी ने सॉल्व किया, और यहाँ का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये एक ओड है इन हीरोज़ को और हमारी जनता को, जिन्होंने एक पूरा पब्लिक रिवोल्ट किया और भारत को बचाया है, भारत की इंटेग्रिटी को, भारत की जो एक आत्मा है, और भारत आज जो है ये इतने खून की नदियाँ बहने पे हम लोग साथ में रहने के लिए भी लड़े हैं। साउथ और नॉर्थ साथ में रहने के लिए भी लड़ा है, खून बहा है, लोगों ने अपनी जिंदगियाँ दी हैं। तो हमें इस तरह की फिल्मों की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम इस इंटेग्रिटी को, इस भारतवर्ष को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें। ऐसा ना सोचें कि बस मिला हुआ हमें, ऐसे ही नहीं मिला हुआ है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप फैमिलीज़ को इनकरेज करें, इस फिल्म को इनकरेज करें, और अगर हमें इससे हमारी एकता की, हमारे भारतवर्ष की अखंडता की, अगर हमें क्षुण्णता की और महत्व हमें मिलता है और हमें लगता है कि नहीं, हमारे वैल्यूबल है, बहुमूल्य है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? एक फिल्म के द्वारा अगर हम ये महसूस कर सकें तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। जस्ट वन, एंड आरफ चौधरी जी ऑल्सो, कैन वी प्लीज हैव ऑन द स्टेज, कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सच अ स्वीट जेस्चर बाय कंगना मैम। Can we have a lovely, great picture in the Bukhi ceremony by Yataji and Guruji to Kangana ma'am? Okay, so Kangana ma'am, just quick 2 questions. We all look up to you. So do you think so you have any plans to become the Prime Minister? Because the way you are walking and heading like a queen, I think we are all looking forward for it, like the 2 girls? Yes. We are. So ma'am, what's your purview on that? मैंने एक्चुअली अभी एक फिल्म किया कॉल इमरजेंसी, वो देखने के बाद आप डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। नो नो, वी ऑल लव द क्वीन। द सेकंड स्मॉल स्वीट क्वेश्चन टू मैम इज, मैम व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मूवी विद फॉर गुडूर सर एंड याटा सर, द वे दे हैव डन इट? आई थिंक इट्स अ ट्रेमेंडस फिल्म टू पुल ऑफ फॉर अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, एंड ये राइटर भी हैं इस फिल्म के, और कितने टैलेंटेड लोग हमें हर तरह की रीजनल इंडस्ट्रीज से लेके हर तरह से मिल रहे हैं, और दे आर नाउ कमिंग टू मेन स्ट्रीम सिनेमा, और हम सबको उनकी फिल्में, उनका काम देखने को मिल रहा है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बाकी आई अप्रिशिएट जो रेड्डी सर है, इनका एफर्ट आई अप्रिशिएट, क्योंकि उन्होंने एक अपने सामर्थ्य से, अपनी खुद की पर्सनल इनकम से इन्होंने ये बनाया है, देश के हित में ये काम किया है। Thank you, ma'am. And the last question is,
that what do you think, everyone and Kangana ma'am, that whether Razakar should be considered as tax-free movie or not by the government? I think to sir khud karwa lenge. इनका इनकी फिल्म इन्होंने अच्छी बनाई है और ये भी पार्टी से रिलेटेड है, तो अगर अच्छी लगेगी पार्टी को और लगेगा कि जैसा मुझे लग रहा है कि समाज के प्रति कोई योगदान रहे, समाज के प्रति अगर एक दायित्व को प्रदर्शित करती हुई फिल्म रहेगी तो क्यों नहीं, टैक्स फ्री इसीलिए बना है कि ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दिया जाए. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. कैन वी हैव अ ह्यूमंगस राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज, प्लीज ह्यूमंगस. Southern siren, yes. In my look, of course, I work so much in South India that I am just so inspired by the weave. You must be pointing to the weave. This is Banarasi, I think, but in my mind, I am definitely a South Indian. Yes. Today also, I am. In fact, my flight was at 10 a.m. Then I changed it to 4. I am going to Chennai for my film shoot only. So I take your guys' leave, and I'll see you soon. Our most lovable person, heartthrob of the youth and also the old, Kangana Ranautji, we are very grateful to you because I considered you as the most dynamic personality ever our cinema industry had. Because one should have guts to say few words. And she has guts and also she has the duty to continue. And I really feel very grateful for you to be here as our chief guest to launch the trailer on this occasion. I really pray to God that you must achieve more accolades and more awards. You're already a 4 times national awardee. I really appreciate and may God bless you with the best of the things possible in your life and with the best of the health possible in your life. God's. Kangana ma'am, one more thing. I love the way you dress yourself. From gangster days till today, you are my father's crush, you are my brother's crush, you are everyone's crush. From all the age groups. Thank you so much. Let's have a big round of applause for Kangana Ranaut. Great vision by none other than the producer of the movie, Mr. Gudur Narayan Reddy. Can we have a round of applause for Gudur sir, please? Sir, can I please invite you here? Because you are, because without you, without money, we cannot do anything. So you are you're the first person. I really wanted everyone to have a look at him. So please give us some money. Okay. And definitely I was कंगना मैम को मैं जो बताना चाह रही थी, आई नो उनकी फ्लाइट है बट वो फिर भी यहाँ आई है सिर्फ और सिर्फ शी इज अ ट्रू पेट्रियॉट. एंड उन्होंने भी, उनको मैं ये बताना चाह रही हूँ, शायद मैम को भी ये सुन के मजा आएगा कि मैम आफ्टर 15th August 1947 इट टुक 396 डेज, यू नो, ऑल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस शुड बी मर्ज्ड इन हिंदुस्तान. The majority of people
this state should want this monarchy. यहाँ बहुमत हिंदुओं का ही है, सब लोग हिंदुस्तान को ही चाहते हैं। कोई या तो मजहब बदल